सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशर की। और जैसा कि बहुत सारे किसान इस वक्त कटाई कर रहे हैं अपनी फसलों की, गेहूं की कटाई का समय है और कुछ अभी करने वाले हैं, अगले 10-15 दिनों में पूरी तरीके से कटाई का समय आ जाएगा, तो सर थ्रेशर का किस तरह का उपयोग होता है, कटाई उपरांत क्यों ये मशीन बहुत महत्वपूर्ण है? आज मैं कहना चाहूँगा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं थ्रेशर के ऊपर। जैसा कि जो हमारी हरित क्रांति हुई है उसमें आप देखेंगे तो थ्रेशर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस थ्रेशर के कारण ही हम हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। जैसे आप पुराने ज़माने में देखते होंगे कि पहले बैलों के सहारे सारा वो जो है हम लोग अनाज अलग करते थे या रोलर्स यूज़ करते थे, उसके बाद फिर वो उसके बाद जो विनोइंग करते थे, मतलब वो भी हवा के सहारे अनाज अलग करना करते थे, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती थी और मेहनत के कारण जो भी हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये कृषि मशीनरीकरण हो गया, यांत्रिकरण हो गया और उसमें थ्रेशर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि थ्रेशर जो है थ्रेशर एक अनाज से मतलब वो अलग करता है, दानों को अलग करता है, उसके साथ में भूसा वूसा वो भी उसको चाप जो है निकाल देता है और साफ सुथरा अनाज हमको डायरेक्टली हमको बैगेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है थ्रेशर का हमारे कृषि में। बिल्कुल। और थ्रेशर देखिए, जिस वक्त थ्रेशर इंट्रोड्यूस हुआ सर, वो एक तरह से कृषि में या फिर कटाई के उपरांत जो कार्य होते हैं उस क्षेत्र में एक क्रांति की तरह इसे देखा गया। और अभी इतने वर्ष हो गए हैं फिर भी इसकी उपयोगिता अभी भी जस की तस बनी हुई है और हमारे किसानों का इससे श्रम बचता है, दाने जो हैं वो नहीं टूटते हैं, दाने अच्छे शेप में अच्छे आकार में रहते हैं, इसके साथ साथ समय की बचत भी होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका रखरखाव बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ ही क्योंकि एक मशीन है इसमें ब्लेड्स होती हैं, पंखा होता है, तो उसी के अनुसार आपको सावधानी भी बरतनी है। थ्रेशर से हर साल कई सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, अप्रिय घटनाएं भी होती हैं, इसीलिए इसका रखरखाव, इसकी सावधानी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा करें, आपके सवाल हैं, उससे पहले ये देखते हैं रिपोर्ट। फसल की कटाई के लिए थ्रेशर काफी काम की मशीन है, लेकिन थ्रेशर का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। साथ ही मशीन के उपयोग के बाद उसके रखरखाव की भी जरूरत होती है। थ्रेशर का इस्तेमाल फसलों के कटने के बाद सिर्फ 1 से 2 महीने ही होता है, उसके बाद थ्रेशर को किसी सुरक्षित जगह में रख देना चाहिए जिससे थ्रेशर के पुर्जों के मौसम और पानी से खराब होने की आशंका न रहे। थ्रेशर को कुछ समय खाली चलाना चाहिए जिससे उसमें बचे फसलों के डंठल और दाने बाहर निकल जाएं। थ्रेशर की छलनियों से सारा भूसा, डंठल और दाने निकाल लेने चाहिए। जहां तक हो पंखे के रास्ते को जिससे हवा खींची या बाहर फेंकी जाती है साफ कर लेना चाहिए। सभी रबड़ की बेल्ट और पट्टे को निकालकर ऐसी जगह पर रख देना चाहिए जहां गर्मी, बरसात और धूल ना आती हो। थ्रेशर को पानी से धोने के बाद धूप में सुखा लेना चाहिए। थ्रेशर के पुर्जों की जांच कर लें और जिन पुर्जों की मरम्मत या बदली करनी हो उन्हें कर लें जिससे थ्रेशिंग के वक्त काम में दिक्कत ना आए। सावधानियों की बात करें तो जब किसान थ्रेशर को खेत में लगाएं तो ध्यान रखें कि जगह समतल हो, थ्रेशर की जरूरत के हिसाब से ही पावर दें, चलते थ्रेशर के पास उठे बैठे नहीं और न ही पट्टे को लांघे। कभी भी थ्रेशर चलाने में जल्दीबाजी न करें। थ्रेशर को तय गति से तेज और धीमा चलाने से मशीन की क्षमता पर असर होता है। थ्रेशर का उपयोग करते समय गले में गमछा या ऐसे कपड़ों को नहीं पहने जिससे उसके थ्रेशर में फंसने की आशंका हो।